In the name of our Lord Jesus, living Lord, I greet each one of you this morning. प्रभु के नाम लेके आप सबको हम संबोधन करते हैं. पास्टर सुजीव दास, आपका बहुत थैंक यू दिल से, क्योंकि ये कॉन्ग्रीगेशन के साथ वर्शिप करने के ये मौका आपने दिया, आपने हमें इनवाइट किया, हम दोनों को सम्मानित किया. इसके लिए आपको फ्रॉम हृदय से आई थैंक यू. एंड टुडे एज आई वॉज प्रिपेयरिंग गेटिंग रेडी टू कम फॉर दिस टू सर्विसेस हियर, द टीवी वॉज ऑन, टीवी खोला था और न्यूज़ आ रहा था. न्यूज़ बार में शायद आप लोग भी मॉर्निंग में कोई न्यूज़ देखा, तो न्यूज़ बार में करीब करीब ऑल न्यूज़ चैनल का न्यूज़ बार में ये न्यूज़ आया, टाइफून इन फिलिपाइन कोस्ट, फिलिपिनो कोस्ट में टाइफून, जो समुद्री जो झड़ होता है ना, उसको झड़ को क्या बोलते हैं, तूफान. ये तूफान आ रहा है ना, इसके लिए एक वार्निंग, आने वाला शंका के लिए वार्निंग दे रहा था दुनिया को, पर्टिकुलरली वो जो फिलिपिन वो कंट्री का वो नजदीक में जो लोग रहते हैं ना, उसके लिए. और जब जीवन में ये तूफान आ गया, तूफान का अंदर में है, परेशानी का अंदर में है, जब हम चारों तरफ देखते हर कोई उपाय नहीं लगता, दिखाई नहीं देता कोई रहा, कोई मदद नहीं आ रहा है, इसी सिचुएशन जब जीवन में आता है, तब किसको तरफ हम देखें, किसके पास हम जाए, ये एक क्वेश्चन होता है ना. बाइबल से एक जगह एक पद एक वर्स आई वुड लाइक टू कोट हियर, सेकंड क्रॉनिकल, क्रॉनिकल हिंदी में क्या है, इतिहास. सेकंड क्रॉनिकल दैट मींस इतिहास, 7th chapter verse 14. मेरा हिंदी तो ठीक प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम हिंदी में ही पढ़ते हैं. और मेरे नाम से पुकारे जाने वाले लोग, तूफान आ रहा है और आ गया, तूफान का समुद्र में हम हैं, कैसे हम यहां से निकालेगा, प्रभु की वाणी से, प्रभु की वचन से क्या हमें निर्देश देते हैं ना. और मेरे नाम से पुकारे जाने वाले लोग यदि विनम्र होते तथा प्रार्थना करते हैं और मुझे ढूंढते हैं और अपने बुरे रास्तों से दूर हट जाते हैं, तो मैं स्वर्ग से उनकी सुनूंगा. दिस इज द वे, यही रहा है, इसी रास्ते में हमें आगे चलना पड़ेगा ना, हमारा जीवन में, हमारा फैमिली में, हमारा कॉन्ग्रीगेशन में, किसी सिचुएशन में है ना, राहा सिर्फ उनसे मिलता है, सॉल्यूशन उनसे मिलता है ना, परित्राण देने वाला वही है. ये जो पीटर ड्रुकर का किताब का बारे में, उनका बारे में किसने, किसी को मालूम है, वो जो मोटिवेशनल स्पीकर पीटर ड्रुकर, वो मैनेजमेंट कंसल्टेंट, ये जमाने में उसका उनका किताब बहुत चलते हैं ना, लोगों के बहुत इंस्पिरेशन उससे आते हैं. एक जगह के उन्होंने बोला, इट इज एबिलिटीज नॉट द डिसेबिलिटीज दैट काउंट. हम क्या सोचते हैं जीवन में, बीमारी आ गया हम कमजोर है, बिशप साहब क्या करे, बीमारी आ गया. ये किसी जगह पे कोई बिजनेस करे या कोई पैसा का जरूरत है, कैसे करे, क्योंकि पैसा तो नहीं है मेरा पास ना. कोई जगह दूसरा कोई काम के लिए हो जो उसमें थोड़ा सपोर्ट भी चाहिए, मेरा कोई सपोर्टर नहीं है. दीज आर ऑल द इनएबिलिटीज, जो काम के हम लायक नहीं है, ये हम नहीं कर सकते हैं ना,
अपनी दुर्बलता जो है ना, अपनी वीकनेस जो है ना, उसी की तरफ मेरा ध्यान है. लेकिन दिस जेंटलमैन हैज सेड इट इज नॉट इनएबिलिटीज. मेरा जो दुर्बलता, मेरा जो वीकनेस, ये बड़ा चीज नहीं है. व्हाट इज माय एबिलिटी, दैट इज इंपॉर्टेंट. ये मैनेजमेंट कंसल्टेंट, लेकिन उनसे उनका ये आइडिया मेरे तरफ अपने करके हम लगाया. हम तो फेथ का जीवन न, विश्वासी का जीवन में ये आइडिया हम कैसे लगाए. मेरा क्या स्ट्रेंथ है, आपका क्या स्ट्रेंथ है? आपका स्ट्रेंथ आपका प्रभु है ना. आपका कमजोरी आप खुद है. आप बीमार हो, आप मुसीबत में हो, आप परेशान लेके आप है ना. लेकिन आपका जीवन में वो आपका वीकनेसेस, आपका लिमिटेशन. इसलिए पादरी लोगों को जून महीना में हम एक सेमिनार किया था ना, उससे लास्ट ईयर ना, लास्ट ईयर जून शिलोंग, उस सेमिनार में लेके पादरी लोगों को हम एक चैलेंज दिया था. बोला यू थिंक बियॉन्ड योर लिमिटेशंस. हम ये कर सकते हैं? नहीं 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 नहीं, आप प्रभु के लिए आप जो कर नहीं सकते उसके लिए भी आप अटेम्प्ट करो, क्योंकि प्रभु की काम है ना. तो सेम है हमारा जीवन में, ऐसे कोई परेशानी आ गया, ऐसे कोई मुसीबत आ गया, ऐसे कोई बीमारी आ गया ना, हम सिर्फ वो बीमारी के लिए सोचते हैं, मुसीबत के लिए सोचते हैं, मेरा जो समस्या है ना उसके बारे में, उलझन के बारे में हम सोचते हैं कैसे हम यहाँ से निकाल पाए ना. लेकिन पीटर ड्रुकर इज टेलिंग व्हाट इज योर एबिलिटी, हमारा सामर्थ्य क्या है, हमारा स्ट्रेंथ क्या है. हमारा स्ट्रेंथ प्रभु है, और उनसे कुछ भी होता है ना. आई एम ए फेलियर बट ही इज नॉट ए फेलियर ना. इसलिए वो मेरा विश्वासी का जो जीवन, इसमें प्रभु की तरफ हमें हमारा ध्यान देना पड़ेगा. एक बार एडमंड हिलारी, इनका बारे में एक किताब में पढ़ा. हम तो उनको नहीं देखा, उनका पिक्चर देखा. आई वॉज इन दार्जिलिंग में 6 साल हम था, और हमारा जो कंपाउंड, उस कंपाउंड से वेरी नज़दीक ये माउंटेनियरिंग, हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट उधर है. इसके लिए वो जो माउंटेनियरिंग का जो ट्रेनिंग होता है उसी जगह पे होता है. आई नो लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट एडमंड हिलारी. कभी देखा नहीं, एक किताब में पढ़ा. एक बार उन्होंने, उनका एक एक्सपीडिशन के बाद उन्होंने जब वापस चला गया इंग्लैंड में, उनको सब वेलकम रिसेप्शन दिया गया था. उसमें इंग्लैंड का रानी भी था, और वहाँ का ऑल फेमस सिटीजन्स ऑफ लंडन, दे आर ऑल प्रेजेंट देयर. एंड दे इन दैट बैकग्राउंड, आजकल पीछे होता है ना जब कोई हॉल में कोई मीटिंग होता है, मेथोडिस्ट यूथ फेलोशिप बिग ब्लो अप करके पीछे लगाता है ना, WSCS. उस दिन ये चर्च में आया था, पीछे ही पर एक पोस्टर था, WSCS क्रिसमस सेलिब्रेशन. ऐसे क्योंकि इन्होंने एवरेस्ट जॉय किया, तो माउंट एवरेस्ट का पीछे एक बड़ा ब्लोन अप एक पिक्चर पीछे रखा. उनको जब माला पहनाया और वेलकम किया, उसका बाद उनको कुछ बोलने के लिए बोला, तो उन्हें घूम के पहले वो पीछे का माउंट एवरेस्ट की तरफ देख के उन्होंने बोला, वही हम कोट करके आपका सम रखते हैं, माउंट एवरेस्ट यू हैव डिफीटेड मी बट आई विल रिटर्न. वही माउंट एवरेस्ट के जाके उनका अपना दोस्त को भी, ही लॉस्ट हिज फ्रेंड, ही डाइड देयर. लेकिन क्या बोल रहे, बट आई विल रिटर्न एंड आई विल डिफीट यू बिकॉज यू कांट गेट एनी बिगर एंड आई कैन. ये जब हम पढ़ना मेरे तरफ, बिकॉज आई एम ए बिलीवर, माई आईज आर ओपन ओनली टू सी द ब्यूटी एंड द मैजेस्टी, द पावर, रेवलेशन ऑफ गॉड. प्रभु की रेवलेशन हम ढूंढते हैं हर जगह पे. एक किताब जब हम पढ़ा, मेरे को तो इससे एक आइडिया मिल गया. अरे माई प्रॉब्लम कैनॉट बी बिगर
मेरा लॉर्ड से तो बिगड़ नहीं हो सकते है ना, मेरा प्रभु से तो बिगड़ नहीं हो सकते है ना, इसलिए दैट इज माय स्ट्रेंथ। आप जब अपने बारे में सोचते हो ना, आपका वीकनेस के बारे में मत सोचो, पहले प्रभु की, प्रभु कितना महान ना, उनका बारे में आप सोचिए, आपका जीवन उनका आशीष से भरपूर हो जाएगा। एक छोटा उदाहरण देके आज का ये प्रभु की वाणी यहीं पर हम खत्म करेगा। और एक किताब हम पढ़ा था, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई एम चैलेंजिंग यू, आपको हम इनवाइट कर रहे हैं जीवन में प्रभु का ऊपर विश्वास करके एक एक कदम उठाइए, आप देखिए कितना आशीष आपके जीवन में आएगा। आप देखिए आपका जीवन का जो बीमारी, जो आप जिसके लिए आप झुक गया ना, उसमें स्ट्रेंथ आ जाएगा, आपका नया जीवन मिल जाएगा, उलझन से यू कैन कम आउट। एक छोटा किताब है, किताब का नाम है सोर विथ योर स्ट्रेंथ, डोनाल्ड क्लिफ्टन एंड पॉला नेल्सन, ये दोनों मिलके एक किताब लिखा। एक किताब में एक छोटा एक पैराबल है, पैराबल ऑफ ए न्यू स्कूल इन द फॉरेस्ट, जंगल में, ये जंगल बुक है ना, टीवी में हम देखते हैं वो बंदर बात करते हैं, चिड़िया बात करते हैं ना, तो ये पैराबल भी वो एनिमल का मुंह में थोड़ा डायलॉग दे दिया। तो उसमें क्या है, एक छोटा सा एक रैबिट, रैबिट को हिंदी में क्या बोलते हैं, खरगोश, ये छोटा सा एकदम बहुत प्यारा एक खरगोश है ना, वो उसका पिता माता पेरेंट दे डिसाइडेड टू सेंड हिम टू ए स्कूल, ट्रेनिंग स्कूल, हम जैसे भेजते हैं ना हमारा अपना छोटा छोटा गुड़िया को ना स्कूल में, वैसे ये छोटा खरगोश को ट्रेनिंग स्कूल में भेजा। पहले दिन वो ट्रेनिंग स्कूल में जा रहा है ना, बहुत खुश है वो, तो रनिंग हाँ, इधर दौड़ते हैं, उधर भागते हैं, थोड़ा जंपिंग करते हैं, हॉपिंग करते हैं ना, यहाँ से छोटा छोटा हॉपिंग करके करके दौड़ते हैं ना। ये खरगोश जब स्कूल में गया, उसको दिखाया, देखो ये क्लासरूम है ना, ये क्लासरूम तुम्हारा, और क्लासरूम है लेकिन उधर नहीं, तुम्हारा क्लासरूम इधर है, तो उधर अंदर जाके ट्रेनर उसको सिखा रहा है, दौड़ो, थोड़ा जंपिंग करो, थोड़ा हॉपिंग करो, और उसको बहुत मजा आया क्योंकि दैट इज व्हाट ही डज द होल डे, नॉट ओनली हियर, सो ही वाज वेरी हैप्पी ऑफ रनिंग हॉपिंग एंड जंपिंग, जैसे हम करते हैं ना। उसका बाद नेक्स्ट डे वो एक ही ट्रेनिंग, थर्ड डे एक ही ट्रेनिंग, ओ उस तो बहुत खुश है ना, ऐसे इधर उधर भागते हैं लेकिन वहां आके और अच्छा ट्रेनिंग हो रहा है ना उसको। उसके बाद एक हफ्ता बाद वो खरगोश को दूसरा ट्रेनर बोला, नहीं आपका इधर का काम हो गया, अभी वो रूम है ना, वो रूम में जाना पड़ेगा। वो तो थोड़ा डर के मरे उधर धीरे धीरे इधर गया, ट्रेनर बोला देखो ऐसे एक ऊंचाई जगह है ना, वहां से फ्लाई करना पड़ेगा, जंप करके एकदम फ्लाई करके उधर पड़ना पड़ेगा, और उसका बाद दिखाया उधर एक पॉन्ड है उसमें स्विम करना पड़ेगा। वो तो डर के बोले हम उधर नहीं जाएगा, हम उधर नहीं जाएगा, उधर स्विम करने के लिए नहीं गया और इधर जंप करने के फ्लाई करने के लिए भी नहीं गया, वापस गया माँ का पास, बोला मम्मी हम वो स्कूल में नहीं जाएगा, बहुत खराब है, वो लोग हमें फ्लाई करने के लिए बोला, मैं टांग टूट जाएगा, वो हमें वो स्विम करने के लिए बोल रहा है, हमें स्विम नहीं आता है, हम उसमें डूब जाएगा, मर जाएगा। नहीं बेटा तुम्हें जाना पड़ेगा, यू हैव टू लर्न। नेक्स्ट डे ही वेंट अगेन टू दैट स्कूल। ये पैराबल यहीं पे खत्म हो जाते हैं ना, ये पैराबल तो हम पढ़ा लेकिन इसको हम विश्वासी का जीवन का तरफ से हम देखते हैं। गिरजा में हम आते हैं ना, पादरी साहब का वचन सुनते हैं ना, यहां से वचन से प्रभु का वचन से बोलते हैं, गाना भी अच्छा, कितना सुंदर गाना ये हमारा क्वायर गाते हैं ना, वो क्वायर के साथ हम भी गला मिला देते हैं ना, अच्छा लगते हैं ना, कोई प्रोग्राम एमओ वो भी करते हैं ना,
डोनेशन वो भी हम देते हैं कुछ ना, इधर उधर कुछ टाइम तो हम निकालते हैं ना, वो है रनिंग, हॉपिंग एंड जंपिंग, ओके। लेकिन विश्वासी का जीवन में सबसे बड़ा जो आशीष है ना, वो आपके लिए वेट कर रहा है। उसके लिए यू हैव टू लर्न, लर्न टू फ्लाई, लर्न टू स्विम, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। ऐसे बीमारी लेके आप थक गया, विश्वास का जीवन लेके जैसे जेकब फाइट किया था, प्रभु हमें ये देना होगा आपका, एंड इन दैट लाइफ यू विल सी गॉड इज कमिंग एंड ही इज सेइंग यस माय सन, यस माय डॉटर, एंड यू विल हैव ए न्यू एक्सपीरियंस इन योर लाइफ। बीमारी, ऐसे कौन सा बीमारी है अब बताइए जब प्रभु की ताज से, प्रभु की आशीष से ना जा सकते हैं। ऐसे क्या उलझन है जीवन में, ऐसे क्या परेशानी है, लेकिन आप सिर्फ इसी का अंदर में ये दो चार तीन जो रास्ता आपको सामने निकाला ना, वो छोड़ के आपका आगे चलने का आदत नहीं है ना। वो जो छोटा खरगोश डर के मरे, कैसे होगा, अब कर नहीं पाएगा, मर जाएगा। डोंट लुक एट योर ओन वीकनेस, आप प्रभु की सामर्थ्य के बारे में आप सोचिए। प्रभु के हाथ में आपको जो आपको ये जीवन दे दीजिए, अब देखिए आपका जीवन में ऐसी आशीष मिलेगा ना, ऐसी आशीष मिलेगा, आप गवाह बन जाएगा। यू विल बिकम विटनेस टू हिज अमेजिंग पावर, टू हिज अमेजिंग ग्रेस। आपका जीवन में ऐसे कुछ होगा जिससे प्रभु का महिमा होगा और दूसरों का जीवन में आशीष लेके आएगा। With this, I commit each one of you to the Lord so that your life is blessed by Him. Amazing testimony will come from you. Shall we bow our heads in prayer? Almighty and gracious Lord, our Heavenly Father, we thank you for this wonderful opportunity that you have given to us. Thank you for speaking to us, Lord, in spite of our sickness, our infirmities, our defeats. You are always there, Lord, and you want us to bless. Lord, in the name of Jesus, I bless this congregation. I bless every family, every people, everyone who is gathered here. Lord, bless them abundantly. Give them a new life which will be full with testimonies and testimonies. In Jesus' name we ask. Amen.